अध्याय दो, विवाह के विषय में परमेश्वर के विचार। तब यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। उत्पत्ति 2:18। शब्दकोश के अनुसार विवाह एक योजना है जहां पुरुष व स्त्री एक दूसरे के साथ विशेष संबंध में जोड़े जाते हैं, ताकि परिवार की स्थापना व प्रबंध करने का उद्देश्य पूरा हो सके। विवाह प्रत्येक स्थान में पाए जाते हैं। कुछ विवाह अच्छे, कुछ उतने अच्छे नहीं होते, और अन्य के लिए तो कहना पड़ेगा कि वे बुरे विवाह हैं। परमेश्वर ने विवाह की स्थापना की और उसे मालूम था कि एक विवाहित जोड़ा किस रीति से प्रसन्न रह सकता है। प्रत्येक जोड़े को परमेश्वर से यह मालूम करना चाहिए कि जब परमेश्वर ने विवाह का प्रारंभ किया, तब उसकी मनसा विवाह के प्रति क्या थी। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। उत्पत्ति 2:18। मैं सचमुच विवाह करना चाहता हूँ, लेकिन मैं यह नहीं समझ पा रहा हूँ कि इतने बूढ़े से कौन लड़की विवाह करेगी। आशीष ने अपने मित्र रमेश से कहा, आशीष हसमुख व शांत स्वभाव का था, परंतु वह 40 वर्ष के लगभग होगा। वह सोचता था कि वह बहुत अधिक उम्र का है, कोई उससे विवाह करने के लिए रुचि दिखाएगा। रमेश ने कहा, यदि परमेश्वर चाहता है कि तुम विवाह करो, तो वह तुम्हें सही स्त्री को दर्शाएगा। वह आशीष को उत्साहित करता रहा कि वह पत्नी के लिए प्रार्थना करे। साथ ही उसने उसे आश्वासन दिया कि वह अभी उसके लिए प्रार्थना करेगा। आशीष व रमेश एक वर्ष तक लगातार इस विषय के लिए प्रार्थना करते रहे। कई बार आशीष ने रमेश से अपने अकेलेपन के विषय में बातें की। वह चाहता था कि उसका कोई अपना हो, उसे प्यार करे, जिसे वह भी प्यार दे सके। तब उन वे दोनों प्रार्थना करने लगे कि परमेश्वर उन्हें उनकी प्रार्थना का उत्तर दे। एक दिन रमेश ने आशीष को यह समाचार दिया कि एक दूसरे राज्य में एक अविवाहित महिला रह रही है, जिसका नाम मैरी है। उसकी उम्र भी 35 वर्ष से ऊपर है। आशीष ने इस पर अपनी रुचि दिखाई। रमेश ने परामर्श दिया कि आशीष अपने माता पिता से कहे कि वे मैरी के माता पिता से पत्र व्यवहार करे। आशीष के माता पिता ने पत्र लिखा और उत्तर हाँ में मिला। इस प्रारंभिक प्रक्रिया के पश्चात उन दोनों की मुलाकात हुई और दोनों ने एक दूसरे को बहुत पसंद किया, तथा मैरी के माता पिता के मन में आशीष के प्रति बहुत आदर उत्पन्न हुआ। आशीष ने भी अपने माता पिता को मैरी के विषय में बतलाया और उन्होंने प्रार्थना की। शीघ्र ही निर्णय हुआ कि आशीष व मैरी की शादी होगी। विवाह और विवाह भोज की तिथि पक्की की गई। मैरी के दायरे से प्रत्येक लोगों को विवाह और विवाह भोज में आमंत्रित किया गया। विवाह के लिए आशीष के और मैरी के परिवार के मित्र बाहरी जगह से आए। उन सभी के लिए अच्छा समय था। जबकि सब ने मैरी व आशीष को एक दूसरे से प्रतिज्ञा करते सुना कि वे एक दूसरे के प्रति विश्वास योग्य रहेंगे, उन्होंने अपने परिवारों, मित्रों, पास्टर के आगे ये प्रतिज्ञा की। सबसे महत्वपूर्ण है कि उन्होंने परमेश्वर की उपस्थिति में एक दूसरे के प्रति विश्वास योग्य रहने की प्रतिज्ञा की। इसके पश्चात एक बड़ी विवाह भोज का प्रबंध किया गया था। भोजन के पश्चात मैरी और आशीष पारिवारिक जीवन का आरंभ करने के लिए छोटे से घर में चले गए। विवाह के तीन कारण। विवाह का पहला उद्देश्य यह है कि अकेलेपन से छुटकारा मिल सके। उत्पत्ति में बाइबल यह बताती है, यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। उत्पत्ति 2:18। परमेश्वर ने देखा कि जिस मनुष्य की सृष्टि की गई वह अकेला है। आदम को एक ऐसी व्यक्ति की आवश्यकता थी जिसके साथ वह अपने विचारों और अनुभवों को बांट सके। विवाह एक दूसरा उद्देश्य है कि वे एक साथ रह सके। परमेश्वर का कार्य साथ साथ करना भी इसमें निश्चित है। पति व पत्नी दोनों मिलकर दूसरों को गवाही देने जा सकते हैं। वे जवानों के समूह का मार्गदर्शन कर सकते हैं।
आवश्यकता में पड़े लोगों की सहायता परामर्श देने के द्वारा कर सकते हैं। नए नियम में अक्विला और प्रिस्किला के विषय में बतलाया गया है, प्रेरितो 18 अध्याय 2 पद और रोमियो 16 अध्याय 3 पद में। वे दोनों मिलकर परमेश्वर की सेवा करते थे, उनके पास परमेश्वर का प्रभावमय संदेश था। विवाह का तीसरा उद्देश्य है कि फूलो फलो और बढ़ते जाओ। विवाह परमेश्वर की आश्चर्यजनक योजना है जिसके द्वारा पूरी पृथ्वी पर फैल जाए। परमेश्वर ने प्रथम स्त्री व पुरुष को यह आज्ञा दी कि वह फूले फले और पृथ्वी में भर जाओ। परमेश्वर आज भी पति व पत्नी को बच्चों के द्वारा आशीष दे रहा है। परमेश्वर चाहता है कि वह अपने बच्चों को परमेश्वर के ज्ञान व प्रेम में बढ़ाए। परमेश्वर की योजना में बढ़ते रहना। आशीष व मैरी की वैवाहिक जीवन खुशियों से भरा हुआ था। आशीष की मित्रता इच्छाएं मैरी में पूरी हुई, जिसे वह प्यार कर सकता था, जिससे उसे प्यार मिल सकता था। आशीष और मैरी परमेश्वर की सेवा विहीन ढंगों से मिलकर करते थे। वे बाइबल स्कूल में गए, उसके पश्चात वे मैरी के गांव की मंडली में सेवा करने लगे। परमेश्वर की सेवा करने के लिए उन्हें यह स्थान मिला था जो भिन्न संस्कृति के लोगों के माध्यम था। आशीष व मैरी कई जवानों से भेंट कर सकते थे ताकि उन्हें प्रभु की सेवा के लिए उत्साहित कर सके। परमेश्वर ने आशीष व मैरी को एक पुत्र से आशीष किया था। वे अपने पुत्र के साथ बहुत आनंदित थे और उसके लिए एक अच्छे पारिवारिक वातावरण का निर्माण कर रहे थे। विवाह के लिए परमेश्वर की योजना। विवाह के संबंध में जो व्यक्त परमेश्वर ने प्रारंभ में कहे हैं, वे विवाह को सही रीति से समझने में बहुत ही उपयोगी है। चाहिए तो यह है कि परमेश्वर की शिक्षाओं के मानने से ही वैवाहिक जीवन अच्छा बन सकता है, परमेश्वर ने कहा। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक तन होंगे, उत्पत्ति 2 अध्याय 24 पद। ये शब्द इतने महत्वपूर्ण है कि बाइबल में 3 अन्य स्थानों में अर्थात मती 19:5 और मरकुस 10:7-8 में, जिनमें यीशु के शब्द हैं, और इफिसियो 5:31 में संत पौलुस के द्वारा पवित्र आत्मा ने कहलवाया है। परमेश्वर का वचन स्वयं रीति से छोड़ने, जुड़ने और एक तन होने के विशेष शिक्षा देता है। छोड़ना, उत्पत्ति 2:24 पद में माता पिता को छोड़ने के विषय कहा गया है। इसका अर्थ है कि माता पिता के घर को छोड़ दें और अपने परिवार की स्थापना करें। छोड़ने का तात्पर्य है कि वधु अपने माता पिता को छोड़ती है और उसी रीति से वर भी अपने माता पिता को छोड़ता है। वर व वधु के लिए 2 प्रकार अलगाव की बात समझी जाती है, शरीर के भाव से त्याग और अवनात्मक रीति से अलगाव। माता पिता के परिवार को छोड़ना, पहली बात कि वे शारीरिक रीति से छोड़ते हैं, वे एक अन्य घर में चले जाते हैं जो उसका अपना होता है और माता पिता से परे होता है। वह दूर हो सकता है या फिर शायद कुछ ही दूरी पर हो, परंतु यह अलगाव है। शारीरिक रीति से अलगाव का अन्य अर्थ भी है कि आर्थिक अलगाव भी हो, और अब यह नया पति पत्नी के लिए उसकी आवश्यकता पूर्ति करने वाला बन जाता है। यदि कोई अपने घराने की चिंता ना करे तो वह विश्वास से मुकर गया है, 1 तीमुथियुस 5:8 पद। यह नया विवाहित जोड़ा अब आर्थिक आवश्यकता के लिए या अवस्तुक आवश्यकता के लिए अपने माता पिता की ओर ना देखे। कभी कभी ना चाहते हुए भी माता पिता अपने आर्थिक सहायता को या वस्तु सहायता दे सकते हैं, या वस्तु सहायता देकर यह नया विवाहित जोड़ा अब आर्थिक आवश्यकता के लिए या वस्तुगत आवश्यकता के लिए अपने माता पिता की ओर ना देखे। कभी कभी ना चाहते हुए भी माता पिता अपने आर्थिक सहायता को या वस्तुगत सहायता देकर बच्चों की स्वतंत्रता में बाधा बन जाते हैं। प्रत्येक नए जोड़े को यह प्रयास करना होगा कि वे इस समस्या में गिरने से बचे। माता पिता को भी चाहिए कि बच्चों के विवाह के पश्चात उनको निर्णय लेने के अवसर दें।
उदाहरण एक दुखी जोड़े को आनंद मिला। प्रेम व मैरी की शादी के 7 वर्ष बीत चुके हैं। वे एक दूसरे को और अपने चारों बच्चों को बहुत प्यार करते थे। मैरी के परिवार में मैरी माता पिता की अकेली बच्ची थी। जब प्रेम व मैरी की शादी हुई तब वे दोनों मैरी के घर में ही चले गए। प्रारंभ में बड़ा अच्छा लगा कि प्रेम को कोई कड़ी मेहनत नहीं करनी पड़ी थी, साथ ही मुफ्त में घर मिल गया था। पिछले वर्ष प्रेम व मैरी के बीच इतने मनमुटाव की स्थिति आई कि वे एक दूसरे से नाखुश होकर संबंध विच्छेद कर देना चाह रहे थे। वे दोनों एक मसीही पास्टर के पास गए और उन्हें अपनी समस्या बतलाई। पास्टर ने बताया कि यह समस्या शायद मैरी के माता पिता के घर में साथ साथ रहने के कारण से आई है। मैरी के माता पिता उनकी सहायता करना चाहते थे, परंतु बदुआ इससे वे प्रेम के पारिवारिक अगुवा के स्थान पर बाधा बन जाते थे। पास्टर ने कहा कि अच्छा होगा यदि दोनों किसी दूसरे घर में जाकर रहे। कुछ क्षण के लिए दोनों ने इस पर विचार किया। इसके पश्चात वे दोनों पास्टर की बात को मान गए और जाना कि जो पास्टर ने कहा वह सब भला है। थोड़े ही समय पश्चात प्रेम व मैरी का परिवार अलग रहने लगा। वे न सिर्फ दूसरे घर में गए परंतु वहां से कई मील दूर दूसरे गांव में गए। उनका पारिवारिक जीवन पुनः आनंदमय हो गया। अब प्रेम व मैरी साथ मिलकर समस्याओं का सामना करने लगे, न कि बहस में समय गवाते थे। भावनात्मक रीति से त्यागना। छोड़ने का दूसरा भाग यह है कि पति व पत्नी दोनों अपने अपने परिवारों से भावनात्मक रीति से भी अलग हो। भावनात्मक अलगाव का अर्थ है कि वर व वधू दोनों इस बात में संतुष्टि का अनुभव करें कि वे अपने पुराने घर को छोड़ रहे हैं। पुरुष व स्त्री दोनों अपने अपने माता पिता के आशीष के साथ उन घरों को छोड़े। प्रत्येक व्यक्ति यह जानता है कि विवाह उत्तम है और प्रत्येक व्यक्ति इसे बनाए रखना चाहता है। इसके परिवार के लोग उसकी भलाई चाहते हैं, इसलिए वे उसकी सहायता करते हैं कि वे एक नए परिवार निर्माण कर सके। यदि पति व पत्नी व परिवार जनों के मध्यम किसी प्रकार की अनुचित धारणा है तो इस समय तक उन्हें इसे दूर कर देना चाहिए। पति व पत्नी दोनों को इस बात की निश्चयता होनी चाहिए परिवार के अन्य समस्त संबंधों से उन दोनों का वैवाहिक संबंध सर्व महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ है कि एक पुरुष अपनी पत्नी पर दोष ना लगाए कि वह उसकी माता के समान ही है। एक पुरुष अपनी पत्नी पर दोष ना लगाए कि वह उसकी माता के समान नहीं है। वैसे ही एक स्त्री अपने पति में कोई गलती ना निकाले कि वह उसके पिता के समान नहीं है। यदि पति व पत्नी में से कोई भी अपने पूर्व परिवार को भूल नहीं पा रहे हैं, तो इसे असहमति व दुख हो सकता है। वास्तविकता यह है कि माता पिता चाहते हैं कि उनका बेटा उनसे अत्यधिक प्रेम करे। विवाह के पश्चात माता पिता को चाहिए कि बेटे के साथ उसकी पत्नी से भी उतनी ही मोहब्बत करे, अन्यथा उसका एक तरफा प्यार से परिवार में कलह उत्पन्न होगी। उदाहरण, अब हम बड़े हो गए हैं। अक्षय 30 वर्ष की उम्र तक अपने माता पिता के साथ रहा। उसके बाद उसे अन्य गांव में एक लड़की मिली जिससे उसके माता पिता ने उसकी शादी करवा दी। अक्षय विवाह के पश्चात अपनी पत्नी को अपने गांव लाया और वे अपने पुराने घर के पास ही एक छोटे से घर में रहने लगे। परंतु अक्षय की माँ उनकी जिंदगी को अच्छा बनाने के लिए स्वयं ही प्रयास करती थी। उसने अपने बेटे को अपने पास से कभी भी भावनात्मक रीति से दूर नहीं होने दिया। इसे अक्षय की पत्नी को बेचैनी हुई और वह बड़ी निराश हुई। वह अक्षय को छोड़ना चाह रही थी कि वह अपने घर वापस लौट सके। कुछ समय पश्चात अक्षय की मां ने समझा कि उसे अपने बेटे व बहू की जिंदगी को चलाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अक्षय ने भी समझा कि उसे भी अपनी माता के साथ परिपक्व पुत्र की
तरह पेश आना चाहिए। अक्षय उसकी माँ और उसकी पत्नी अब खुले रूप में बैठकर बात करने लगे कि हम इस समस्या का समाधान कैसे ढूंढें। तीनों के लिए और अब जीवन अधिक आनंदमय हो गया। छोड़ने का कदाचित अर्थ त्यागना या भूलना नहीं है, यह जीवन का एक नया कदम होता है जिसमें वर व वधू अपने जीवन को स्वयं ही जीने के और साथ ही माता पिता की मित्रता व प्रेमी सलाह का भी आनंद उठाते हैं। युवा जोड़ों को अपने माता पिता की संगति में आनंद लेना सीखना है। जब वे उसके पास मिलने जाते हैं, अपने माता पिता की सलाह लेने में स्वतंत्रता का अनुभव होता है। युवा जोड़ों के लिए आवश्यक है कि वे अपने माता पिता को उत्साहित करें। इस प्रकार के अच्छे संबंध के बनने से माता पिता से दूर रहने पर भी खुशी मिलती है और विवाह दृढ़ होता है। अलग होना किस प्रकार होता है? अलगाव एक मानव व लोकप्रिय है। इसमें अलगाव भी है और मिलन भी है। जब पुरुष व महिला अपने माता पिता को छोड़कर पति पत्नी बनते हैं तब बहुत सी बातें होती है। एक विवाह अन्य लोगों के सम्मुख पुरुष स्त्री इस बात की प्रतिज्ञा करते हैं कि वे जीवन भर एक दूसरे के प्रति सच्चे बने रहेंगे। हर एक देश में विवाह के संदर्भ में अपने ही कानून है। परमेश्वर के लिए यह महत्व की बात है कि पुरुष व स्त्री अपने देश के विवाह कानून का आदर करें। यह भी महत्वपूर्ण है कि वर वधू पक्ष के माता पिता विवाह के लिए पूर्ण सहमत हो। इसहाक व रिवा का एक अच्छे उदाहरण के रूप में हमारे सम्मुख है। उनके माता पिता विवाह के लिए सहमत हुए। वे विवाह के पश्चात अपने बच्चों को स्वतंत्र छोड़ने के लिए प्रतिज्ञा करते हैं और उन्हें आशीष देते हैं। इसी रीति से विवाह के समय इसहाक व रिवाका के अतिरिक्त और भी लोग थे जिन्होंने प्रतिज्ञा की है। ये प्रतिज्ञाएं दोनों पक्ष के माता पिता की थी। एक विवाह भोज। विवाह भोज का आयोजन किया जाता है। इस समय अन्य रिश्तेदार व मित्र अपनी शुभकामनाएं देते हैं और प्रकट करते हैं कि इस विवाह से सहमत है। एक नया परिवार। अलगाव का अर्थ एक नए परिवार या समूह की उत्पत्ति भी है। एक साथ मिले रहना। उत्पत्ति 2:24 का दूसरा कथन और अपनी पत्नी से मिला रहेगा, इसका तात्पर्य पुरुष व स्त्री के माध्यम प्रेम को प्रकट करता है। यह विवाह का व्यक्तिगत भाग है। यदि कागज के दो टुकड़ों को हम गोंद से चिपका दे तो वे एक दूसरे से इतना चिपक जाते हैं कि वे हम उन्हें अलग नहीं कर सकते और वे एक लगते हैं। यदि कोई इन्हें अलग करने की कोशिश करे तो वे फट जाएंगे। पति व पत्नी को एक दूसरे से प्रेम करना है और एक साथ जुड़े रहना है, चाहे जैसे भी परेशानी क्यों ना आ जाए। जुड़े रहने में विशेष प्रेम प्रकट होता है जिसका अर्थ है एक व्यक्ति के प्रति पूर्ण रीति से विश्वास योग्य रहना। यह निर्णय लेना है कि जीवन की सारी बातें उसी एक व्यक्ति से बांटेंगे प्रकट है। एक स्त्रीवादी पुरुष वह है जो केवल अपनी पत्नी को ही प्रेम देता है। वह अपने प्रेम को केवल अपनी पत्नी पर ही केंद्रित करता है और उसका संबंध मात्र इसी स्त्री अर्थात उसकी धर्म पत्नी से ही रहता है। एक पुरुषवादी स्त्री वह है जो अपने विवाहित पति को ही प्रेम करती है। वह अपने प्रेम को केवल अपने पति पर ही केंद्रित करती है और उसका संबंध मात्र इसी पुरुष अर्थात उसके पति से ही रहता है। एक अच्छा विवाह संतुलित होता है। एक अच्छे विवाह में निम्न बातें होनी चाहिए। पहला, माता पिता को छोड़ना। दूसरा, विचारों व भावनाओं में एक होना। तीसरा, एक तन होना। विचार करें कि यह एक तिमाही है जिसमें तीन पाँव है। जब तक इसमें तीन पाँव है तब तक तिमाही सीधा खड़ा रह सकता है, परंतु तीन में से एक टूट जाता है या खींच कर खराब हो जाता है तब तिमाही गिर जाता है। उपयुक्त तिमाही अच्छे विवाह की तीन बातें, छोड़ना, जुड़े रहना और एक तन होना। इस तिमाही के
पाव की तरह है, जब तक के तीनों पाव सही है तब तक विवाह स्थिर रहेगा। यदि विवाह का कोई भी एक पाव छोड़ना, जुड़े रहना या एक तन होना टूट जाए तब विवाह उत्तम विवाह नहीं कहलाएगा। विवाह के प्रत्येक पाव जब मजबूत होगा और उसे उत्तम विवाह कह सकेंगे। उत्पत्ति 2:24 में एक महत्वपूर्ण सच्चाई है जिस पर ध्यान देना चाहिए। तीसरे कथन के पश्चात पूर्ण विराम है। विवाह के विषय परमेश्वर का विचार वहां पर समाप्त हो जाता है, इससे अधिक की आवश्यकता नहीं है। इस विचार के अनुसार बच्चों को भी आवश्यकता दिखाई नहीं देती। एक विवाह जिसमें बच्चे परिवार में ना हो वह भी इतना ही पूर्ण है जितना बच्चों के साथ वाला विवाह। कहने का अभिप्राय यह बिल्कुल नहीं कि पति या पत्नी में कभी झगड़ा नहीं होगा। कभी कभी आपस में झगड़ा बहस का होना स्वाभाविक है, लेकिन समस्या जटिल उस वक्त होती है जब पति व पत्नी में एक दूसरे के प्रति विश्वास की कमी होती जाती है। यह बात धीरे धीरे एक जटिल समस्या का रूप धारण कर लेती है और शैतान को परिवारों में कला उत्पन्न करने में आसानी हो जाती है। अंत में इसका परिणाम तिमाही का एक पैर टूटने जैसा हो जाता है। टूटे हुए विश्वास को पुनः बनाना। 4 वर्ष बाद एक बच्चा हो जाने के बाद भी आनंद व ममता का विवाह टूटने पर था। उनके संबंध ठंडे पड़ गए और शायद ही वे एक दूसरे से बातें करते थे। आनंद एक दूसरी स्त्री के साथ प्रेम करने लगा और ममता अन्य पुरुष के साथ जाने को लगभग तैयार थी। उसे ज्ञात था कि आनंद क्या कर रहा है, इसलिए वह भी वही करना चाहती थी। आनंद व ममता विवाह से पहले ही एक दूसरे से यौन संबंध बना चुके थे और यही विचार बार बार उनके विवाह के बाद भी आता रहा। दोनों इसमें दोषी अनुभव करने लगे और अब उनका भरोसा एक दूसरे पर से उठ गया। विवाह के समय आनंद और ममता अपने विवाह को आनंदमय बनाने का प्रयत्न भी करते थे। कभी कभी आनंद और ममता के लिए महंगे उपहार भी लाता था, लेकिन अधिकतर वे बहस करते रहते। ममता समझती थी कि आनंद इस उपहारों से उसके प्यार को खरीदना चाह रहा है। उसके माध्यम दोष व अविश्वास की भावना इतनी बन चुकी थी कि उनके वैवाहिक संबंधों में बड़ी दरार ठीक नहीं हो पा रही थी। एक दिन आनंद अपने एक पुराने मसीह मित्र से मिलने गया। उसके मित्र ने उसे समझाया कि उसने अपनी पत्नी के साथ कैसा गलत व्यवहार किया और अन्य लड़कियों से संबंध स्थापित किया, जिससे उन दोनों का वैवाहिक जीवन का प्रारंभ ही बहुत निर्बल था और यही कारण था कि वे दोनों एक दूसरे पर विश्वास नहीं कर पाए कि एक दूसरे से गहरी भावनाओं को बांट सके। आनंद ने पश्चाताप किया और अपने पापों को मान लिया। उसने देखा कि वह घमंडी और कठोर हृदय है। कुछ लोगों से जिनके विरुद्ध उसने पाप किए थे उसने क्षमा मांगी। आनंद ने अपनी पत्नी से क्षमा मांगी। आवश्यक है कि उसकी पत्नी को बड़ी कठिनाई हुई कि उसे क्षमा करे, क्योंकि उसे अपनी विश्वास योग्यता अभी प्रमाणित करनी थी। आनंद ने निर्णय लिया कि ममता से शीघ्रता से क्षमा की आशा करना सही नहीं है। उसने निर्णय लिया कि वह दिन ब दिन एक अच्छे पति व पिता के जीवन को निभाकर अपनी विश्वास योग्यता को प्रमाणित करेगा। कुछ ही समय के बाद ममता भी टूट गई। उसने भी क्षमा मांगी और परमेश्वर के प्रति अपने समर्थन को नया रूप दिया और अपने पति को पूरी तरह क्षमा कर दिया। आगे कुछ वर्षों में उनका वैवाहिक जीवन गहराइयों में बढ़ा। वे एक दूसरे के साथ समय बिताने लगे। वे साथ साथ बाइबल पढ़ते, प्रार्थना करते और गीत गाते थे। अब एक साथ मिलकर वे अपने परिवार व मित्रों के लिए सच्चे गवाह बन गए। अब भी कभी कभी समस्याएं आती हैं, परंतु अब वे जीवन व परिवार की इन समस्याओं को परमेश्वर के साथ झेल सकते हैं।